उत्तराखंड में एक तरफ जहां मौसम करवट बदल रहा है तो दूसरी तरफ चार जिलों में बड़ा खतरा पैदा हो गया है। जी हां, उत्तराखंड के चार जिलों में अगले 24 घंटे में हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। यहां 3000 मीटर से ऊपरी इलाकों में एवलांच का खतरा बताया जा रहा है और चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में अलर्ट घोषित किया गया है। इसी के साथ SDRF, NDRF, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अलर्ट को देखते हुए एक हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर रखा गया है जिससे लोगों को आसानी से राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। आपको बता दें, एक तरफ जहां जोशीमठ में भूधसाव का दंश झेल रहे उत्तराखंड के लिए अब ये नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अब उत्तराखंड में हिमस्खलन के खतरे का असर जोशीमठ में पड़ सकता है। जोशीमठ में भूधसाव के चलते लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। हालात बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि सरकार लोगों को मदद करने का लगातार आश्वासन दे रही है। दरअसल आपको बता दें, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में 24 घंटे में एवलांच हो सकता है। उत्तराखंड दैवीय आपदा के दौर से गुजरता आ रहा है। अभी कुछ महीने बीते ही थे कि दोबारा एवलांच की आहट हो रही है। इससे पहले पिछले साल 4 अक्टूबर को उत्तरकाशी में भयंकर हिमस्खलन हुआ था जिसमें NIM के पर्वतारोहियों का दल लौटते समय 17,000 फुट की ऊंचाई पर हिमस्खलन की चपेट में आ गया था। इस आपदा में कई लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। वहीं कुछ दिनों पहले भी चमोली जिले में एवलांच की बड़ी घटना हुई थी। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई थी। वहीं उत्तराखंड में फरवरी माह में मौसम विभाग ने बारिश कम होने की संभावनाएं जताई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी में सिर्फ 3 दिन बारिश के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी में उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में मासिक न्यूनतम तापमान के सामान्य से कम रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान है। हालांकि मैदानी इलाके जैसे कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कोहरा छाए रहने की संभावनाएं हैं। तो उत्तराखंड में अगले 24 घंटे बेहद मुश्किल भरे रहने वाले हैं।